जैसा कि आप जानते हैं कि सनराइजर्स हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार आईपीएल 2020 के इस संस्करण से बाहर हो चुके हैं और अब कयास ये लगाए जा रहे हैं कि भुवनेश्वर की जगह पर कौन टीम में शामिल होगा, कौन उनका रिप्लेसमेंट होगा। अब सारे किंतु परंतु पर पूरी तरह से विराम लग चुका है, उनके एक रिप्लेसमेंट का भी ऐलान हो गया, लेकिन हम बताएंगे आपको थोड़ी देर में। हम आपको भुवनेश्वर के बारे में लेटेस्ट अपडेट बता दें कि अभी फिलहाल जो उनकी जांघ की मांसपेशियों की जो शिकायत है उससे वो बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और 6 से 8 हफ्ते का उनको आराम के लिए आराम की सलाह दी गई है डॉक्टर्स ने। और ऐसा भी मुमकिन है कि जो गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी के लिए यूएई से टीम जो रवाना होगी ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसमें भुवनेश्वर कुमार संभवतः न जा पाए। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर है कि भुवनेश्वर कुमार का ऑस्ट्रेलिया दौरा बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है, क्योंकि वो तब तक इस इंजरी से शायद ना उभर पाए। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ वो मुकाबला था, आपको याद होगा, जब पारी का 19वां ओवर था, महेंद्र सिंह धोनी सामने थे और उन्होंने 3 बार रनअप अपना पूरा भी किया, लेकिन वो गेंद नहीं फेंक पाए और उनकी जांग की मांसपेशियों में बुरी तरह से खिंचाव आया, जिसकी वजह से उनको मैदान छोड़ना पड़ा और एक अन्य गेंदबाज से वो ओवर कराना पड़ा। तो कुल मिलाकर भुवनेश्वर कुमार के निकलने के बाद या हटने के बाद तरह तरह के कयास लग रहे थे कि कौन सा खिलाड़ी, कौन सा उनका रिप्लेसमेंट के तौर पर सामने आएगा। और अब हम आपको रिप्लेसमेंट बता देते हैं, पृथ्वीराज यारा। जी हाँ, पृथ्वीराज यारा ये नाम है उस खिलाड़ी का जो भुवनेश्वर के रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में आया है सनराइजर्स हैदराबाद की। ये बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है, आंध्र प्रदेश के लिए तेज गेंदबाजी करते हैं और रणजी ट्रॉफी में इन्होंने डेब्यू किया था 2017-18 में और कर्नाटक के खिलाफ, और पहले ही मुकाबले में दोनों पारियों में 3-3 विकेट लेकर उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित कर दी थी। तो आंध्र प्रदेश की ओर से जूनियर क्रिकेट भी खेले हैं और छोटे फॉर्मेट में इन्होंने बहुत प्रभावित किया है आंध्र प्रदेश की ओर से। उनमें गति है, गति के साथ साथ विविधता है, जो वेरिएशंस हैं उनकी खासकर छोटे क्रिकेट में, उसको देखते हुए वो आईपीएल टीमों की पसंद भी रहे हैं। और इससे पहले इनको केकेआर टीम ने अपनी टीम में शामिल किया था और उनको एक मौका भी मिला था जब प्रसिद्ध कृष्णा, जो उनके तेज गेंदबाज हैं, वो इंजर्ड हो गए थे, उनकी जगह पर पृथ्वीराज को अवसर मिला था और उसमें सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ उन्होंने उन्हें ये मैच खेलने का अवसर मिला, जिसमें बेस्ट्रो का विकेट मिलते मिलते उन्हें रह गया क्योंकि गेंद हवा में गई थी और उस पर कैच छूट गया था, जिसकी वजह से पृथ्वीराज को जॉनी बेस्ट्रो का विकेट नहीं मिल पाया। अब वही जॉनी बेस्ट्रो उनके टीम के साथी होंगे, अब उसी सनराइजर्स हैदराबाद के साथ वो जुड़ने जा रहे हैं। और एक मैच और उन्हें मौका मिला था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, लेकिन उसमें उन्होंने केकेआर की ओर से खेलते हुए 2 ओवर में 28 रन लुटा दिए थे। तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा कामयाबी उन्हें नहीं मिली है आईपीएल में, 2 मैच महज खेले हैं वो भी केकेआर की ओर से, और अब वो सनराइजर्स हैदराबाद में विकल्प के तौर पर मौजूद रहेंगे भुवनेश्वर की जगह। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें अवगत जरूर कराएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।